हेलो फ्रेंड्स, मुँ आपन को वेलकम करुच्ची ओडिया गार्डनर यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, बर्तमान वर्षा बहुत जोर चली और 3-4 दिन है कंटिन्यू बर्तमान वर्षा हो। तो बर्तमान वर्षा समय रे भी मुँह आप गोटे बहुत इंटरेस्टिंग भिड आनी जोटा कि आप देखने खुशी होती। तो मोर कोलकाता जन बंधु अच्छा सी मोप कि हाइब्रिड भेराइटर मंदार गच गिफ्ट करते देखिपुम ये थोड़ी और आपण को सबुत गच मुझे देखेबी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, से मत बहुत सुंदर मंदार गच गिफ्ट कर जोटा कि आमेरिकान और अस्ट्रेलियान भेराइट मिसिक अच्छी। तो 6-7टा गच सी मत पठाई गच बहुत दिन है मो पाखे मुझे लगे पार नी। तो जेहेतु किसी पर्सनाल कारण थी भिड चेल आसपार ना और आपर एत भल पाइबा मिलथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समस्ते कमेंट कर भाई भिड कहीं आसुनी आप कौन प्रोब्लेम होती। तो सेमती विशेष किसी ना, बर्तमान सब ओके अच्छी और यापर आम रेगुलाली भिड आने और जमी आगू आम चलता सेमती आम भिड कर सब इंटराक्शन आम रो। तो आज भिड को आपने आरंभ से कम्प्लीटली देखु और वीडियो भल लगे वीडियो को निश्चय लाइक करेंगे और सबु थर भाई वीडियो रे कमेंट करेंगे। तो आउ लेट न कर चलते आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे। प्रथम आपको देखे दूसरी मोर जो मंदार गच सब से गिफ्ट करते सब गच मत गिफ्ट रे मिली किणिक आनी ना आपको कहीदे। तो देखिपे के बड़ सैज्र फुल देखिपे फुलर सैज मो हाथ देखो और फुलर सैज देखते ये सब गच हेल्दी रही गच मो पाखे पाखापाखि 15-20 दिन आसिक रहा मुझे लगे नी आपको देखेबी बोली। तो सब गचरे बड़ अच्छी किसी फुल फुटुची देखिपे बहुत भल भल कलर आतीक आशा हो सब भल भल भेर अच्छे ए 7टी गच टोटाल मत मिली। तो आपको आम आज लगे देखा आम यार सॉइल मीडिया केमी या लगेबार प्रोसेस कौन रही जो मैंने बिगनर अच्छा जो मैंने आज भिडियो देखते तो बहुत हेल्पफुल होगा आज भिडियो। तो आसतु आम भिडियो स्टार्ट करवा आम केमी लगे पूरा प्रोसेस बर्तमान भिडियो देखेबी। सो फ्रेंड्स, आपने जिते बी कौन हाइब्रिड मंदार फुल गच को ग्रो करेंगे तो ग्रो करा पूर्व आपंता विषय में किसी जाणिनेमा निहाती दरकार। जमीक हाइब्रिड मंदार गच ग्रो करने भल क्वाटर मट्टी दरकार होता है, अधिका फर्टिलाइजर दरकार होता है और गच ग्रो करने आपको किसी विशेष फर्टिलाइजर से देवा पड़ता है जोटा कि गच को अधिका बुस्ट दे था ग्रो करने से अधिकर अधिका फुल फुटापी। किंतु आमर जो देशी मंदार गच थाए से सहीटा देखा जाए ना, देशी मंदार गचर आपको जिते कम फर्टिलाइजर देने भी सैटा आपर ग्रो करेंगे फुल आसी थाए। तेणुक आपत जिते बड़े भी हाइब्रिड मंदार गच को ग्रो करेंगे किसी विशेष फर्टिलाइजर देते किसी स्पेशल ट्रिटमेंट अच्छी जोड़ा करेंगे तो हेल्ला आपण गचर फुल सब वाले आसो और गच आपण सब वाले हरा भरा रहिबो। यही जो भेराइटर मंदार मो पाक आसी तो आपको लगे आमको अलग कौन भी सॉइल मीटा देवाक पड़ा ना, आम आम ए गार्डन सॉइल ही यूज करवा अगर कौन मट्टी देवा ना। तो मुझे आगू आपको कह वीडियो आम एमती सॉइल मीटा प्रस्तुत करवा। तो पूर्व आप जाने रखु जदि आप फूल गच को बर्षा दिन में ग्रो करा चाहते तो सीट आपं टे टप हो पाए कि आपड़ी टी आप एक्सपीरियंस थी जब फंगल ग्रोथ पर किसी एक्सपीरियंस अच्छी तेल हूँ तो कौन परिमाण में एथेर फंगस लग पारे। तो तार ट्रिटमेंट जब आपे आप निर्द्वंदर बर्तमान ग्रो करूँ कहीं बर्षा दिन बहुत भल से आम ग्रो होदी आपको आपको ग्रो कर कौन प्रोब्लेम होकर मंदार गच लगे मरी जाए गच ग्रो करूना तो आप बर्तमान टाइम लगातु जदि आपको डिफिकल्ट होती वेट करूँ शीत दिन आसे आपचे घरे नहीं लगे पारे और आपने आराम से ग्रो करेंगे। यही भेराइटर मंदार गच को लगे मुझे आम निजर गार्डेन सॉइल नहीं जो गार्डेन सॉइल तैयारी करी मुझे यूज करुँच। तो बर्षा टाइम तो मुझे अलग मट्टी कलेक्शन करें मोर जो गार्डेन सॉइल मुझे प्रस्तुत कर रखीदी मुझे ये यूज करना कितु ये मुझे गोटे जिन ध्यान देवा पड़ो आम जो पट्रे लगे तो पट्रे जदि आम खाली मट्टी देखिए लगे कि अगर कौन से फर्टिलाइजर गोल लगे तो आम माटी में बर्तमान पानी जमीवार चांसेस अधिका थाए और पा जमीवा द्वारा आम गच क्षति होता है। तो से ही मुझ पूर्व गोटे वीडियो अपलोड करी जो थे कि मुझे डिटेल कही बर्षा दिन आम गचर कौन सब प्रोब्लेम होता है और आपने केमी दूर करेंगे। तो जब से भिडियो देखी ना तो ऊपर आई बटन में लिंक अच्छी क्लिक करके देखी नि। तो से मुझे मट्टी को हाल्का करा चाहूँगी जहाद्वर कि आम ए जहाँ भी पा पड़ो बर्षा पा ओभर न रही आमर ड्रेनेज हलपटे बाहर जीव। तो से मट्टी को हाल्का करने मुझे यूज करुच्ची काठ गुंड। तो बहुत लोग कोकोपीट यूज करते कि कोकोपीट किसी पा रखी थाए तो से मुझे काठ गुंड यूज करठ गुंड पा आब्जर्व कर ना कि मट्टी को ये आम हाल्का रखी थाए जहाद्वर कि आम जहाँ भी पा दे था सीटा ड्रेनेज हो जाए। तो ये प्रोसेस तो आपको आउ कहे नहीं केवल मुँह ही रेकमेंड करते देवाई कि मुझे भी गच्छे आपको आगू भिडियो देखे मोर कौन गच्छे किसी भी प्रोब्लेम आसी ना।
तो यहाँ गोटे बेस्ट मीडिया जदि आपको लिंबर मिलूँ तेल आहरी बेस्ट हे तो आपको मटी एड कर तो यार रेसीो रही आम ये मटी नहींचे पाखापाखी 70% तेल आम ए काठगुंड मिनिमम 10% दवा आपने 20-30% भी देपर कि मिनिमम आपको 10% दिंतु तो जिते आप काठगुंड अधिका देते कि मटी को हाल्का करने जो मीडिया देपर जोटा कि मटी में किसी दिन भितर डिकम्पोज होगा मीडिया आपड़ देते आप गई ठीक रो तो ये मुझे किटा काठगुंड नहीं जापर फ्रेंड्स मुझे यूज करुँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो मुझे केमिकल बर्तन किसी दूना तो मुझे ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कैर आगुरी आपको देखी तो से फर्टिलाइजर को मुझे यूज करुँ पाखापाखि 20% तो 70% आम गार्डन सर ने 10% आम ए काठगुंड ने 20% आम ये यूज करवा ऑर्गेनिक कंपोस्ट तो फ्रेंड्स ये आम सब सॉइल मीडिया नहीं जाइए तो आप चाहिए एर कि फंगीसाइड पाउडर मिसे पारे कि जेहतु मोर सॉइल मीडिया में फंगीसाइड आड करी तो ये मुझे आड करूना तो आपको बर्तमान आम भलसे मिक्स करवा तो फ्रेंड्स बर्तन मटी को भलसे मिक्स कर देखिए और आम सॉइल मीडिया बर्तन प्रस्तुत हो जाएगी आम गच को ग्रो करने तो सॉइल मीडिया पर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है सीटा पॉट्रे तो आप टाइम कौ पॉट ने जोटा कि आप बेस्ट रहा तो फ्रेंड्स सब मन रखुद मटीर पॉट हूँ सब गार्डनिंग बेस्ट होता है मटी टू भल आमको कौन भी जिनस मिलना ना तो से मुझे मटीर पॉट यूज करूना एपाय मो पाखे मटीर पॉट बर्तन सॉर्ट अच्छी तो मुझे ये प्लास्टिक पॉट यूज कर ग्रो करने तो देख पारे यार ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होता है मुझे जो पॉट को आनी तो देख पारे पॉट को आनी तो यार ड्रेनेज देख पारे के बढ़िया रही है केत सारा ड्रेनेज होल आमको मिल जाऊँच तो फ्रेंड्स या ड्रेनेज सुविधा भल हो मुझे पॉट को बर्तमान यूज कर तो यहाँ 8 इंच पॉट रही तो आपको बर्तमान आम ए ग्रो करवा नेक्स्ट पर आम शीत दिन में आउ बड़ साइज पॉट को सिफ्ट करदे तो तेणुक देखिए मुझे 8 इंच पॉट यूज करें 10 इंच पॉट यूज करें और मुझे रेकमेंड करी आपने मटीर पॉट यूज करूँ से आप सब बेस्ट रहा तो देख पारे मुझे ये पॉट नी तो पॉट नापर आम जो ड्रेनेज होल अच्छी आपको आम कम्प्लीटली बंद करवा ना कि आम कि जिनस जोद्वारा कि आम जो मटी देखे मटीटा आमटे ड्रेनेज होल पटे बाहर ना और जहाँ भी वर्षा पा आसा एपटे निष्कासन हो जाए तो से मुझे मटीर खपरा यूज कै तो आम जो माटी कुंड भांगी जाए तो से गुड़क मुझ भांगिक छोट छोट खंड कर रखी दिए जोटा कि आमको बहुत यूजफुल हुए आम पॉट्रे देवाई तो ये बड़े मैं ड्रेनेज होल दे दूसरी तो यहाँ जेहेतु यार सेपटा आबड़ा खबड़ा होता है से आम ए मटीटा हाल्का रहे तो ड्रेनेज हाँपी यहाँ बहुत यूजफुल हुए तो आम एम जो सॉइल मीडिया या कर कि फिल करवा देख पारे तले बेलें किटा मटी दबा मटी दबापर आम जो पैकेट गच्छी अच्छी आम प्रथम से गच्छी को बाहर करवा तो फ्रेंड्स देख पारे मुझे कम्प्लीट रूट बॉल सहकारे गच्छी बाहर कर देती तो बाहर करने देख पारे यार चेर बहुत ही नहीं बहुत कम चेर अच्छे देख पारे पाखे अल्प अल्प चेर अच्छे तो जदि यार रूट बाउंडिंग होता मैंने तले अधिक चेर मारी जाता तो आम कि मटी और चेर काढ़ी था कि जेहतु यार रूट बाउंडिंग होना गच भल कंडीशन अच्छी तुमको आज जमी अच्छे सेमती हिंस लगाऊँच तो किसी ये भाव में देख पारे मुझे गच्छे रखिली तापर पुणी आम से सॉइल मीडिया को फिल करदे तो ये लगे सारे आप पट को हल्का भाव पटके दिखुद कि
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗଛଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଥିରେ ଲାଗିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗିଗଲା ପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଥିରେ ଆସିଛି, କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବେଳରେ ମୋର ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ଆର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପଟ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ପଟ୍ରେ ଲାଗିବା ପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ସବୁ ଗଛ ମୁଁ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ତ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ତଳେ ରଖିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ସବୁ ଗଛ ମୋର ହେଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ମଏଶ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେତିକି ପାଣି ପାଇବ ଗଛ ଆରାମସେ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ମାଟି ଶୁଖିଲା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ୟା ପରେ ଏ ଗଛରେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବା, କେମିତି ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଫୁଲ ପାଇବା, ସେସବୁର ଅପଡ଼େଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼ନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆର କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼ନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଗଛ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।